हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने लावा Z61 Pro एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है टच वाइब्रेशन सेटिंग को डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ़ कैसे कर सकते हैं, और ये टच वाइब्रेशन सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा साउंड का, साउंड पर सिलेक्ट करना है। अब आपको साउंड के इस पेज में नीचे आना है, यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा ये टच वाइब्रेशन का, ठीक है। टच वाइब्रेशन इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को आपको सिलेक्ट करना है। तो ये बटन आपका ब्लैक कलर में ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपकी इस तरीके से टच वाइब्रेशन सेटिंग डिसेबल हो जाएगी, ठीक है। अब ये टच वाइब्रेशन सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको बतला देता हूं। तो जब भी आप अपने मोबाइल फोन के किसी भी ऑप्शन को अगर आप टच करेंगे ना, ठीक है, तो आपका मोबाइल फोन जो है वो वाइब्रेट नहीं करेगा, ठीक है। ये सेटिंग जो है ऑफ करने से पहले आपका मोबाइल फोन वाइब्रेट करता था जब आप किसी भी ऑप्शन को टच करते थे, लेकिन अब आपने इस सेटिंग को ऑफ कर दिया है तो आपका मोबाइल फोन वाइब्रेट नहीं करेगा किसी भी ऑप्शन के टच करने पर, ठीक है। तो ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है ऑफ करने के बाद आपके लावा Z61 Pro एंड्रॉयड मोबाइल फोन में, ठीक है। अब मैं आपको जो है इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके मोबाइल फोन में, ठीक है। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल का सेटिंग पेज आपको ओपन करना है और आपको सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। सर्च सेटिंग पे आपको इसे सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है टच वाइब्रेशन, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है वो आपको पूरा टाइप करना है, तो आपको नीचे ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करते हैं तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है, नहीं तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन शो नहीं होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन शो हो जाएगा तो इसे सेलेक्ट करना है। इससे होगा क्या, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्ट इस सेटिंग पेज में लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।